बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली। ठीक है, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी बज रहे हैं 7 और मैं सो के जग गई, चाय पी ली, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए अभी बज रहे हैं 7। ऑफिस तो जाना है, दिवाली हो दशहरा हो, अभी कभी अभी तो आज छुट्टी है, फिर भी आज जल्दी ऑफिस में काम था इसलिए वो 7 बजे ही चले गए हैं। और बाहर हो रही है बारिश, आज कल से हमारे इधर बारिश हो रही है। और आप किधर का मौसम कैसे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे इधर हो रही है बारिश। और ये कल के कपड़े डले हैं, सब सूखे नहीं हैं, ये कल वाले हैं। अभी मैं काम कर लेती हूँ, काम करती हूँ। और अभी मेरा बेटा सो रहा है इसलिए मैं अभी इधर इधर का काम कर लेती हूँ, फिर बाद में बेडरूम को साफ़ करूँगी। पहले मैं इधर रूम को सफाई कर लेती हूँ, बाकी आज ज़्यादा सफाई नहीं करनी, बारिश भी हो रही है। और अभी मैं थोड़ा सा मंदिर साफ़ करूँगी और मेरे को रसगुल्ले बनाने हैं, काले वाले। आप किधर क्या बोलते हैं? हमारे इधर उसको रसगुल्ले ही बोलते हैं, आप किधर गुलाब जामुन बोलते होंगे काले वाले रसगुल्ले को, इसलिए अभी उसको बनाऊँगी। ठीक है, झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने काम करना बाकी है। पहले मैं बोली रसगुल्ले बना लेती हूँ। ये देखिए चाशनी पक गई है, इधर पक रहा है, देखिए भगवान को भोग लगा। मैं कपड़े चेंज करके भगवान को भोग लगाने के लिए रसगुल्ले बना लेती हूँ। मिठाई भी बाहर से लेके आएंगे बट मैं घर में बना लेती हूँ। और शाम को खीर बनाऊँगी भोग लगाने के लिए, इसीलिए मैं ये देखिए बन गए हैं, अभी चाशनी में डालूँगी। देखिए फ्रेंड, पूरे घर की सफाई हो गई, बस मेरे को पोछा मार के नहाना है। मैंने ये तगे के कबर चेंज कर दिए हैं और इनको मैं चेयर में डालूंगी, इसलिए मैंने बॉक्स से निकाल दिया है। बाहर तो बारिश ही हो रही है। और ये देखिए किचन भी मैंने साफ कर दिया है सब चीज़, और मैंने मंदिर रूम भी साफ कर दिया है, मंदिर को भी अच्छे से साफ कर दिया। ये देखिए ये सब साफ कर दिया है। और पूजा तो नीचे करेंगे, ये मैंने गुलाब जामुन बना के इधर रख दिया ताकि कोई छुए ना। और ये बाल्टी में मैंने दिए को पानी में डुबो के रखती हूँ, वो वाली है, डुबो के रख देती हूँ। ये देखिए पूजा नीचे करेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए। बाकी मैंने सब साफ कर लिया है, पोछा मार के नहाऊंगी। ये देखिए हस्बैंड और बच्चे, हस्बैंड भी आ गए हैं, बज गए हैं 9:30 बज रहे हैं। और वो मिठाई का डब्बा जो प्रसाद देने के लिए वो बना रहे हैं। फ्रेंड नहा लिया, पूरा काम हो गया है, अब टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है। अभी खाना बनाएंगे, खाने में बनाऊंगी पूड़ी और छोले की सब्जी और चावल बनाऊंगी। और बारिश तो सुबह मतलब रात से कल से ही हो रही थी थोड़ी थोड़ी, रात को थोड़ी बंद हो गई थी बट अभी और ज़्यादा बारिश हो रही है। या तो बारिश के चलते इतना परेशान है, बारिश हो रही है, अभी देखते हैं शाम तक बारिश बंद होगी कि नहीं। बाहर रंगोली बनानी थी बट बारिश हो रही है तो वो गेट तक बारिश पानी आता है, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी 10-15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर बैठती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। और आप लोगों ने दिवाली में क्या क्या बनाया था मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, इवनिंग के बज रहे हैं 3:30 और हमारे यहाँ रात से बारिश हो रही है। और आज ये देखिए दिवाली लग रहा है कि अभी 3:30 बज रहे हैं। और ये देखिए अभी ऐसे इधर का मौसम है, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है। और आज तो इधर मतलब न्यूज़ में भी बाकी जगह मैसेज भी आ रहे हैं, हाई अलर्ट किया गया है कि बारिश होगी और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी क्योंकि रात से ही बारिश हो रही है और घर में लाइट भी नहीं है। ये देखिए अभी दिवाली लाइट कैसे, घर की तैयारी भी, अभी बर्तन धोना है, सब चीज़ करना है, दिवाली है और लाइट भी नहीं है और बारिश। ये देखिए घर का यही दिवाली है, बारिश वाली दिवाली है, घर के अंदर लाइट नहीं है, 12 बजे से लाइट नहीं है, पानी अलग, बारिश अलग से हो रही है, अभी क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं लाइट वाइट मोबाइल जला के बर्तन वर्तन धोते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है इसलिए। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड ऐसी होती है दिवाली, लाइट नहीं है और बाहर देखिए अंधेरा, कितना बारिश हो रहा है और बज रहे हैं 4। ये देखिए फ्रेंड लाइट नहीं है, इधर मोबाइल जला के मैं इधर
खीर बना रही हूँ, उसमें मखाने भूज रही हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए मखाने भूज लेती हूँ। और बाहर देखिए पूरा अंधेरा हो रहा है, ये देखिए इधर की ये दिवाली है, लाइट नहीं है, बज रहे हैं पास, काम तो करना ही पड़ेगा, मोबाइल जला के काम कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड खीर बन गई है, अभी इसमें चीनी डालूंगी, मखाने और थोड़े से चावल डाल के मैं खीर बनाई हूँ, और आपको दिखाती हूँ, लाइट नहीं है, ये देखिए अंधेरा ही है पूरे। और ये देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ये देखिए मैंने इधर इधर दिया हुआ रख दिया है, अभी क्या करेंगे, लाइट नहीं है तो पूजा तो करना ही पड़ेगा। ये देखिए है लाइट आ गई है, और ये देखिए 6:30 बज गए हैं, और मैं बाहर का दिखाती हूँ। ये देखिए हमने थोड़ा सा ऐसे फूल लगा दिया, ये देखिए क्योंकि इधर हो रही है बारिश, ये देखिए इधर बारिश ही हो रही है, मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखिए। लाइट आ गई थी और मैं पूजा की तैयारी करने के लिए आ गई थी इधर पे, क्योंकि रेडी हो गई थी थोड़ी देर, अब देखते हैं लाइट कब तक रहती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई थी। मैंने हस्बैंड को भी बोला जल्दी से तैयारी करवा लीजिए, टाइम हो जाएगा और फिर लाइट भी ना चले जाए, इसलिए मेरे और हस्बैंड मैं दोनों मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। देखिए मेरे हस्बैंड पैर को फोल्ड करके बैठ नहीं सकते, इसलिए वो पैर लंबा करके ही बैठते हैं। ये देखिए वो दिए में तेल डाल रहे थे, मैंने बोला आप भी जल्दी जल्दी काम करवा दीजिए नहीं तो लाइट चली जाएगी। और मैं बोली थी मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, सब सामान इकट्ठा रख देते क्योंकि लाइट नहीं है, कब से परेशान है, और जल्दी जल्दी में कुछ भूल ना जाए, इसलिए मैंने बोला आप भी जल्दी से हेल्प करवा लीजिए। मैं अपने बेटे को भी बोल रही थी, कुछ मंगा रही थी, मैं उससे बातें कर रही थी, और मैं पूजा की तैयारी भी कर रही थी क्योंकि टाइम हो रहा था। ये देखिए, और आप लोग ने किस टाइम पर पूजा किया था मुझे कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैंने तो 6:30 बजे पूजा किया था, मतलब मुहूर्त था 6:30-7 के बीच में ऐसे, इसलिए मैंने पूजा किया था। और ये देखिए मैं मुरी, और ये जो लावा होता है आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, एक प्लेन मुरी होती है जिसमें धान लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको लावा बोलते हैं, इसलिए वो तो पूजा में रखना ही है, इसलिए मैं सभी को इकट्ठा करके रख रही थी। ये देखिए अभी मैं सबको जो जो मुझे याद आता जा रहा था उसको मैं रखते जा रही थी। हस्बैंड दिए में तेल डाल के बाती डाल रहे थे, बोले आप उधर का देख लो, मैं इधर ये सब कर लेता हूँ। ये देखिए मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, सभी सामान को इकट्ठा रख रही थी, देख रही थी कि क्या कमी है क्या नहीं, क्या याद आया क्या नहीं, ये देखिए सब चीज़ को रख रही थी। और मैं थोड़ा सा अपने बेटे को बोल रही थी वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड लाइट चली गई पूजा करते हुए, बस 15 मिनट के लिए लाइट आई थी, दोपहर को 1 बजे गई थी और थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, उतने में मैं रेडी भी हो गई थी, और बस ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ, अंधेरे में लाइट नहीं है क्या करेंगे, टॉर्च जला जला के पूजा कर लिया। ये देखिए फिर थोड़ी 5 मिनट के लिए फिर आई लाइट और फिर चली गई, फिर दो ये देखिए फ्रेंड लाइट आ गई थी, फिर मैं पूजा कर रही थी, और ये देखिए फिर लाइट चली गई, बस लाइट गई फिर की दोबारा आई ही नहीं। 25 को शाम को 5 बजे लाइट आई, मैं वीडियो एडिटिंग कर रही तो मेरे को लग रहा है कि दिवाली क्या है, दिवाली होती है, देखिए लाइट नहीं है तो कितना ख़राब लग रहा था, दिया जला के भी क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, हवा चल रहा है, तो दिया अंदर तो जल गई बाहर, बट बाहर की तो बिल्कुल भी नहीं जली दिया। ये देखिए, और आप लोग की दिवाली कैसी थी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी पूजा हो गई थी, मैं थोड़ा सा वीडियो बना के आपको दिखा रही थी। देखिए अंधेरे में मैंने आरती उरती कर ली थी, अब भी बाहर दिया जलाना था, बट बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हवा चल रहा था, फिर मैं घर के अंदर ही अपना फ्रीज गैस सबका पूजा करते हैं ना, उसमें मैंने पूजा कर लिया, फिर मैं बोली अभी दिया जला लेते हैं, फिर दिया थोड़ा बहुत, दिया तो बहुत ज़्यादा लेके आए थे बट रखने को बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रखा क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए ये देखिए मेरे हस्बैंड जला रहे थे, बोले मैं जला देता हूँ और आप बाहर रख देना। मैं मेन गेट में रख के आ गई थी, अब मैं बालकनी में रखने जा रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ये देखिए मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, हस्बैंड टॉर्च दिखा रहे थे और मैं बोली बाहर रख देती हूँ, पूरे बालकनी में बारिश पानी आ गया था, देखिए बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा, ऐसा लग नहीं रहा कि दिवाली है। और मैं दिया रखते जा रही थी और हवा इतना ज़्यादा चल रहा था कि दिया बुझ भी रही थी, फिर मैंने नीचे रख दिया था दिया, हस्बैंड ने बोला नीचे रख दो थोड़ी देर जलेगा। ये देखिए दिया बस बुझ, मैं रखते जा रही थी, थोड़ी देर में बुझ जाती है।
दिया रखने के बाद आ गए। हस्बैंड बोले चलो प्रसाद लगा लेते हैं, क्योंकि प्रसाद तो देना ही है, फिर मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नाइट में ही दे के आते थे। टॉर्च जला जला के हम प्रसाद पैक कर रहे थे। ये देखिए प्रसाद पैक कर, एक तरफ बेटा मेरा टॉर्च दिखा रहा था और मैं वीडियो बना रही थी, हस्बैंड पैक कर रहे थे। ये देखिए घर के अंदर तो दिया जला दिया, बट बाहर तो दिया जली ही नहीं, पूरी बुझ गई थी। और हम जा रहे थे प्रसाद देने के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वीडियो बना के दिखा रही थी। देखिए हस्बैंड आगे जा रहे, वीडियो बना रही थी। इस बार की दिवाली तो यादगार रहेगी, शिलोंग की लास्ट दिवाली यादगार रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े वीडियो ऐसे ही बना ली, क्योंकि लाइट नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बना ली हूँ, ठीक है। और आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।